नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए नया जादू दिखाने और सिखाने आ गया हूँ। मैं हूँ जादूगर राम शर्मा, कैमरा मैन है सीता शर्मा। हम इस चैनल पे नए पुराने छोटे बड़े मैजिक शो दिखाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। और जादू का कोई भी सामान आप लोगों को चाहिए तो आपके घर तक बिना पोस्टल चार्ज के भेजते हैं। तो आज का नया आइटम कौन सा है देखते हैं। विदेशी स्पेशल आइटम आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में यहां पे कुछ सिक्के हैं, ये बहुत सारे सिक्के हैं हमारे हाथ में। ये देखिए, इंडियन सिक्के हैं ये। तो इनमें से कुछ सिक्के मैं ले लेता हूं ऐसे हाथ में, इतने को हम रख देते हैं इस हाथ में। आप लोग एक बार और देखिए, 5 सिक्का है और हाथ बिल्कुल खाली है। अभी आपके सामने ये निकल ब्रश की 2 कैप है, 1 रिंग है। ये देखिए, ये 2 कैप है, 1 रिंग है। हमने ये 2 कैप में से एक के ऊपर में ये 5 सिक्का ऐसे रख दिया और ये रिंग लगा दिया, और ऐसे ऊपर से हमने ये कैप भी लगा दी। कितने सिक्के थे इसके अंदर सीता जी? 5 सिक्के थे। और इसमें अभी भी आवाज़ आएगी, ज़रा ये सुनिए, आवाज़ आ रही है, सिक्के की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। अब ऐसे रखते हैं, 1 2 3 जादू मैजिक गिली गिली छू। अब इसको किसी को भी खोलने दे दो, ऐसे खोल के चेक करने दे दो इसमें और इसमें। ये देखो, कहीं कोई सिक्का, एक भी सिक्का नहीं है। चेक करना जरा सीता जी, इसमें कोई सिक्का है? ये देखो, हाथ खाली और ये भी खाली, और ये सीता जी चेक कर रही हैं। तो देखो, कहीं पे सिक्का है? नहीं है, गायब हो गई। तो सिक्का ये गायब हो गई। तो ये जो सिक्का थी मित्रों, कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई? ऐसे मज़ेदार मैजिक इस चैनल पे हम आप लोगों को दिखाते हैं और सिखाते हैं। अभी मैंने आपको देखते देखते 5 सिक्का गायब वाला जादू दिखाया, तो अभी इसको हम सिखाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये विदेशी आइटम है, तो इसमें इंडियन सिक्का भी होता है। तो हम आपको इस आइटम को सिखाने जा रहे हैं, तब तक एक गाना सुना देते हैं, ठीक है मित्रों? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो चलते हैं दोस्तों इस आइटम को सीखने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, आप लोगों से मित्रता की, प्यार की बातें, और नया नया मैजिक शो हम दिखाते हैं और सिखाते हैं। चलिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, कॉमेंट कर लीजिए। चलते हैं आज का मैजिक सिखाने। तो मित्रों, हमने आपको दिखाया था ये 2 कैप है और ये 1 रिंग है, और यहाँ से हमने 5 सिक्के ऐसे लिए, आपको दिखाए, एक कैप के अंदर रख दिया और एक रिंग लगा दी, और ऊपर से ये कैप ने बंद कर दिया। जब इसको ऐसे खोला तो इसमें एक भी सिक्का नहीं था। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग मैजिक आइटम है ये। अनबॉक्स लाइफ में सिकंदर जी ने भी दिखाया था। तो इस आइटम को अब चलते हैं सीखने, क्या करना है। तो ये 3 कैप है, ये देखिएगा, ये 2 कैप है, 1 रिंग है, ओके।
और ये सिक्का यहाँ से हम 5 सिक्का लेते हैं ऐसे, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये 5 सिक्का दिखाई देती है। इसके पीछे में स्कैम की तरह, सेम स्कैम की तरह है, इधर से सिक्का का डिजाइन बनाया हुआ है। सिर्फ एक सिक्का इसके ऊपर रख देने से 5 सिक्का दिखाई देती है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नज़दीक से खींचना। ये 4 सिक्के की ये डुप्लीकेट है, इसके ऊपर में एक सिक्का हम जैसे रखते हैं तो ये 5 सिक्का दिखाई देती है, और ये 2 कैप में से एक कैप के अंदर ये ऐसे चली जाती है। देखिए, एक कैप है ना, इसके अंदर ऐसे करके ये चली जाती है, यूँ ऐसी हो जाती है। तो इसी को हम मैजिक करके दिखाते हैं। अब ये इसमें फंस गई है, इसको निकालने का तरीका भी अभी आपको बताएंगे। अभी पहले ये देख लीजिए, हम इसको ऐसे और सारे सिक्के के बीच में हमने रख दिया, ये हमने 5 सिक्का निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी 1, 2 और ये 3 रिंग है। तो एक मोटी होती है, एक पतली होती है, वैसे ये फंस जाने के बाद ये भी मोटी हो जाएगी। जब ये सिक्का गायब हो जाएगी तो ये भी मोटी हो जाएगी। अभी आप किसी को भी चेक करने दे सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखिए बोल के, वो चेक करके तसल्ली हो जाएगा इसमें कुछ नहीं है। तो ये मोटी वाले में आपको ये सिक्के को रखना है, पतली वाले में नहीं रखना है, मोटी वाले में रखना है, और ये रिंग इसके ऊपर में लगा देना है। उसके बाद ये पतली वाली से ढक देना है, किसी को पता नहीं चलता कौन सी मोटी है कौन सी पतली है। जब इसको हमने बंद कर दिया तो ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अब खोलते हैं तो ये गायब हो जाती है, है नहीं, इसमें दिखाई नहीं देगी। है तो यहीं पे, मगर चेक करने हाथ में दे दो फिर भी दिखाई नहीं देगी। अब निकालना है, अब इस बार जिसमें सिक्का घुसी है थोड़ी सी वो मोटी हो जाएगी, पहले से भी ये सिक्का नहीं है इसमें, इसमें है, इसकी साइज़ यहाँ पे थोड़ी मोटी है, इसकी साइज़ यहाँ पे थोड़ी पतली है। तो ये जो मोटी वाली है इस पे रिंग डालना है, रिंग डालना है, उसके बाद कहीं भी किसी भी जगह में आपको ऐसे करके पटकना है पत्थरों पे, ये थोड़ी देर पटकने पे ये बाहर आ जाती है। लेकिन कोई कोई इसको ख़रीदने के बाद ऐसे ही पटकते हैं, नहीं होगा, रिंग डाल के पटकना पड़ेगा। फिर लेने के बाद कहते हैं हमारी नहीं निकली। एक बार और देखिए, इस सिक्के को हमने ये मोटी वाली में अभी लगाया, बाद में ये ज़्यादा मोटी हो जाएगी, ये अभी पतली है, इसमें हमने लगाया, ऊपर से ये रखा, इस ढक्कन को बंद किया और ऐसे खोलते हैं तो ये गायब होती है, पता नहीं चलती किसी को कि ये है कहाँ। जब निकालना हो तो ध्यान रहे, रिंग ज़रूर लगाना है, जो अब मोटी हो गई, पहले ये पतली थी ये मोटी थी, अब इससे भी ज़्यादा यही पतली वाली थोड़ी सी मोटी हो गई, उसमें आपको रिंग लगाना है। उसके बाद किसी भी पत्थर जैसा सख्त चीज़ के ऊपर में ऐसे मारना है, ये निकल आएगी। ये था इसका निकालने का तरीका। अगर आपने एक इलायची लेकर के यहाँ पे चिपका देंगे, मान लो किसी ग्लू से या फिर टेप से यहाँ पे एक इलायची चिपका देते हो, उसके बाद क्या होगा, आप दिखाओगे ये सिक्के हैं, 5 सिक्के को यहाँ पे रख दो, उसके बाद रिंग लगा दो यूँ करके, फिर उसके बाद ऐसे बंद कर दो। जब आप यूँ मैजिक करके खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इलायची दिखाई देगा, देखने वाला हैरान हो जाएगा, तांत्रिक या जादूगर या मदारी लोग भी इस आइटम को दिखाते हैं। हमने आपको ये आइटम भी सिखा दिया। आइटम मंगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और मुझे आइटम चाहिए बोलिएगा, तो हम आपको प्राइस लिस्ट दे देंगे, उसमें से छांट के जो भी चाहिए एक कॉपी पे लिख लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो ये था आज का एकदम स्पेशल, बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला, कभी ज़िंदगी में ख़राब ना होने वाला
निकल्स क्वाइंस वैनिश, यानी पित्तल में सिक्का गायब होने वाला जादू। तो आज के इस वीडियो से कैमरा में सीता शर्मा और मैं जादूगर राम शर्मा दोनों चलते हैं। फिर शीघ्र ही अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।